हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। सो गाइस, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप फ्लैट आयरन की मदद से किस तरह से कर्ल्स कर सकते हो। सो मैं जिस मशीन का यूज़ कर रही हूँ स्ट्रेटनर का, वो है आइकॉनिक की प्रो स्ट्रेट। इसमें आपको सेरेमिक प्लेट के साथ साथ डिग्री की सेटिंग दी है, 230 डिग्री सेल्सियस तक हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं और इसकी प्राइस है 5250। सो बहुत अच्छा स्ट्रेटनर है। सो मैं जो कर्ल्स करूँगी वो 210 और 230 पे करूँगी। पहले आपको 210 पे करना है, यानी 210 डिग्री पे पहले आपको पता करना है कि इतना हीट बर्दाश्त कर रहा है या नहीं हेयर। सो इसलिए उसके बाद आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो 230। सो देखिए किस तरह से आपको फ्लैट आयरन रखना है, इस तरह से होल्ड करना है, ट्विस्ट करना है हेयर को इस तरह से। ट्विस्ट देखिए, यहाँ मैंने वीडियो स्लो किया था, ट्विस्ट। और आपको क्या करना है, स्ट्रेटनर एकदम जैसे होता है ना, आपको स्ट्रेट खींचना है इस तरह से। देखिए आप थोड़ा स्लो करोगे ताकि हीट आपके हर एक हेयर में लगे। सो इधर इस वाले हेयर में मैंने कम हीट दिया था, तो आप देख भी सकते हो ज़्यादा कर्ल्स नहीं हुआ है। सो मैंने डिग्री की सेटिंग इंक्रीज़ की थी, 230 किया था। अब आप जब करोगे तो देखिएगा इससे ज़्यादा अच्छा कर्ल्स बनेगा। देखिए ये वाला कर्ल्स ज़्यादा अच्छा हमारा बना है। सो मैंने इसलिए बोला आप हेयर के अकॉर्डिंग करोगे, 180 पे भी कर सकते हो जिनकी हेयर बहुत थिन है। और इसके बाद ना आप स्प्रे का यूज़ कर लीजिएगा, मतलब इसे सेट करने के लिए, तो बहुत अच्छा कर्ल्स लॉन्ग लास्ट हो जाता है और ये एकदम आपको सॉफ्ट कर्ल देगा। तो मैं गेट्सवे की सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ, ये ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा गाइस। स्ट्रेटनर का जो भी कर्ल्स होता है ना, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करता है। मतलब सॉफ्ट कर्ल रहेंगे, लेकिन जो आप सोचोगे जैसे कलर का इफेक्ट, वैसा तो नहीं आएगा बहुत लॉन्ग लास्टिंग। ये बस 3 से 4 घंटे रहेंगे अगर आप अच्छे से स्प्रे का यूज़ कर लोगे, वो भी सॉफ्ट कर्ल्स रहते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से, ये थोड़ा डायरेक्शन मैंने चेंज कर लिया था, ये थोड़ा आउट कर्ल्स दिया था मैंने, इसमें अंदर से आपको हेयर को ट्विस्ट करना था। तो इस तरह से देखिए, हाँ आपको एक बार अंदर और एक बार बाहर की ओर से बालों को ट्विस्ट करना है। 2 मेथड से किया जाता है, आपको जो ईजी लग रहा है आप उस मेथड से करोगे। देखिए और ये हो गया, आप ऊपर से जब करते हो तो आपको जो इजी लग रहा है आप वो कीजिए। बहुत ही छोटा वीडियो मैंने रखा है क्योंकि बेसिक नॉलेज था। आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे, मैम फ्लैट आयरन से बताएं किस तरह से कर्ल कर सकते हैं। सो आप इस तरह से कर सकते हो, आप एक बार ऊपर से भी स्प्रे दे दोगे तब करोगे ना, कर्ल्स तो ज़्यादा होल्ड करेगा। मैंने तो लास्ट में पूरा कर्ल्स को खोल दिया था क्योंकि सॉफ्ट कर्ल मुझे दिखाना था आप लोगों को, मतलब होता ना थोड़ा वेवी टाइप आपके हेयर लगे, जैसे कि आप नॉर्मल पार्टी वार्टी में कभी जा रहे हो या डेट पे या फिर डे टाइम में, तो उसके लिए परफेक्ट है। मैं ऊपर से थोड़ा स्ट्रेट पहले कर रही थी, वो फ्रीजी हेयर रहते हैं ना तो वो रिमूव हो जाए। और मैं आपको मम्मी पे बता रही हूँ अपनी, इसलिए ये वीडियो मैंने पार्लर में शूट नहीं किया है। सो इसलिए आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा मेरा बैकग्राउंड या सब कुछ। सो गाइज, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है मुझे पार्लर टूर को लेके और मेकअप की वीडियो के लिए, कि पार्लर खोलने के लिए मेकअप की सामान, और 2-4 रिक्वेस्ट है जो मैं इसी मंथ कंप्लीट करूँगी। तो मेरे चैनल पे बने रहे। और हाँ, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, रोज़ मेरी वीडियो को देखते हैं आप, तो पहले तो आप चेक कीजिए आपने सब्सक्राइब किया या नहीं। आई थिंक बहुत से आप में से लोग हैं जो मेरी वीडियो को देख लेते बट सब्सक्राइब नहीं करते, बिकॉज मेरी 80% नॉट सब्सक्राइब्ड है और 20% ही सब्सक्राइब बंदे हैं जो मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। सो पहले आप चेक कीजिए, आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसे एकदम हिट कर दीजिए, बगल में नोटिफिकेशन वाला बटन है उसे भी ऑल पे क्लिक कर दीजिए। सो गाइज, धीरे धीरे मैंने पूरे हेयर में इसी तरह से कर्ल्स कर लिए, लास्ट में मैं फिंगर की हेल्प से सारे कर्ल्स को खोल दूंगी। सो ये छोटा सा वीडियो था। और हाँ, थोड़ा सा ऊपर को स्ट्रेटनर को ले जाके करोगे ना तो थोड़ा अच्छा बॉन्सी इफेक्ट आता है। सो धुआं निकल रहा तो घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि स्प्रे हमने यूज़ किया है। सो गाइज, यही है कंप्लीट फाइनल लुक। मैंने हल्का कर्ल्स को खोल दिया था, मतलब होता है ना हैंड से फिंगर ब्लास्ट करके। सो लास्ट में आप चाहो तो स्प्रे का यूज़ कर सकते हो ताकि वो लॉन्ग लास्ट हो जाए। सो यही कंप्लीट फाइनल लुक गाइज। मिलती हूँ आप लोग से अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।